संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कप बारीक वाली सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना बताएंगे। इससे पहले ये तो ना आपने नाश्ता खाया होगा ना ही आपने कभी बनाया होगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी सूजी का नाश्ता बनकर तैयार होता है। हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली, उनको अच्छे से छील लिया है और धो लिया है। जो इसके सफेद वाला भाग होता है इसको हम कट करके फेंक देंगे। देखो हमने प्याज को बीच से कट कर लिया है। अब हम इसकी बिल्कुल लंबे लंबे पतले पतले पीस कट करेंगे। आपको जितने पतले हो सके आप उतने ही पतले प्याज को कट कर लेना है। देखो कितने आराम तरीके से लंबी लंबी हमारी प्याज कटने लगी है। आप भी इसी तरीके से प्याज को लंबाई में बिल्कुल पतला कट कर लें। प्याज को हमने लंबाई में कट कर लिया है। प्याज को हम इस तरीके से एक एक पीस इसके खोल लेंगे। जब आप इस तरीके से लंबाई में प्याज कट करेंगे वो देखने में भी अच्छी लगती है। यदि आप किसी भी प्रकार का पराठा बनाते हैं तो पराठा बेलने में भी सहूलियत होती है। और इस तरीके से प्याज को आप खोल लें। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। 1 कप से हम 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। देखो हमने 2 कप इसमें पानी डाल दिया है और हम इसमें थोड़ा सा छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल देंगे। यदि घी डालना चाहते हो आप तो घी भी इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी में ये बॉयल आने देंगे। हमारे पानी में ये बॉयल आ चुके हैं और जो हमने तेल डाला था तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसी कप से हमने 1 कप बारीक बारीक सूजी ली है। धीरे धीरे से हम पानी में इस तरीके से सूजी को डाल देंगे। आपको एकदम से सूजी को नहीं डालना है नहीं तो आपके सूजी में लम्स पड़ जाएंगे। और गैस को मीडियम करेंगे। मीडियम गैस पर सूजी को हम पकने देंगे। मीडियम गैस पर हमें सूजी को आटा जैसा कर लेना है। जैसा आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें सूजी को बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। मीडियम गैस पर 3-4 मिनट में देखो हमारी सूजी बिल्कुल आटा जैसी हो चुकी है। आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। अब हम गैस को बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और सूजी को एक बर्तन में थोड़ा ठंडा करेंगे। सूजी को हमने एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया है और हमने 1 कप बारीक वाला बेसन लिया है। बेसन में हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। और हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग बेसन में बहुत ही अच्छी लगती है। हींग डालना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। और थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है। अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से मैश करके डालेंगे तभी हमारी अजवाइन का अच्छे से इसमें टेस्ट आता है। और हमने थोड़ी सी हल्दी ली थी, हल्दी पाउडर को भी हमने इसमें डाल दिया है। और हमने बारीक कटी हुई हरी पत्ती ली थी, हरी पत्ती को भी हमने इसमें डाल दिया है। और हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, पेस्ट को भी इसमें हम डाल देंगे। यदि आप लहसुन ना खाते हो तो आप अदरक अकेले का पेस्ट बनाकर इसमें डाल सकते हैं। और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारी कम तीखी वाली मिर्च है इसलिए हमने 3-4 हरी मिर्च को डाल दिया है। यदि आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हो तो लाल मिर्च पाउडर को भी डाल सकते हैं। और 1 कप हमने पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें घोल को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। 1 कप हमने बेसन लिया था, 1 कप ही हमने पानी डाला है। देखो आपको इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लेना है। सूजी को हमें बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। सूजी को हमें इतना ठंडा करना है कि जब हम हाथों से इस तरीके से मसले तो हमारे हाथ ना जलें। देखो हमारी सूजी एकदम बिल्कुल आटे की तरह हो चुकी है। हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के एक बार और सूजी को अच्छे से चिकना कर देंगे। हमने इतनी बड़ी लोई बनाकर तैयार कर ली है। 1 कप में हमारी 4 लोई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इनको अच्छे से बेल लेंगे। 1 लोई को हम इसमें रख लेंगे और बेलन से बेल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बेल जाती है। हल्के हाथों से आप धीरे धीरे इसको बेलते जाएं।
एक हमने इसकी मोटी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। देखो इस तरीके से आपको भी बेल लेना है। और जो हमने लंबी लंबी प्याज को कट किया था, इस तरीके से हम प्याज को पूरी रोटी पर रख देंगे और अच्छे से फैला देंगे। प्याज को हमने पूरी रोटी पर अच्छे से फैला दिया है। बेलन से हम धीरे हाथ से प्याज को अच्छे से चिपका देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी पत्ती डाल देंगे और हरी पत्ती को भी बेलन से इस तरीके से रोटी पर चिपका देंगे। और एक हमने इस तरीके की प्लेट ली है। आपके पास कोई कटोरी हो तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। और हम जो बगल बगल पे चिपकी हुई रोटी है, उस रोटी को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखो हमने अच्छे से निकाल लिया है। एकदम बिल्कुल हमारी गोल रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम आराम से निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से निकल आती है। बहुत ही आसान तरीके से हमारी रोटी हाथ में उठाती है। देखो इस तरीके से हमने उठा लिया है और एक प्लेट में रख लिया है। और जो हमने घोल बनाया था, इसके ऊपर हम अच्छे से घोल डाल देंगे। हमें इतना अच्छा घोल डालना है जिससे जो प्याज है, हमारी प्याज अच्छे से घोल के अंदर छिप जाए। देखो हमने डाल दिया है। अब हम इस नाश्ता को तवे पर रखकर सेंक लेंगे। हमने दोबारा से गैस को जला लिया है। गैस पर एक नॉनस्टिक तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। छोटी चम्मच से एक चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है और जो हमारा तवा था, तवा भी अच्छे से गरम हो चुका है। जो हमने नाश्ता बनाया था, धीरे से हम इस तरीके से जिस साइड हमने बेसन का घोल लगाया है, उस साइड हम तवे पर रख देंगे। मीडियम गैस पर जब एक साइड से हमारा नाश्ता सिक थोड़ा सिक जाए, इसको हम धीरे से इस तरीके से पलट देंगे। हमें धीरे से ही पलटना है, नहीं तो आपका नाश्ता टूट भी सकता है। देखो हमने धीरे से अच्छे से पलट दिया है और मीडियम गैस पर दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से सिकने देंगे। यदि आपका नाश्ता चम्मच से अच्छे से ना पलटे तो एक प्लेट ले लिए। प्लेट को इस तरीके से रखकर आप इस तरीके से भी नाश्ता को सेंक सकते हैं। मीडियम गैस पर हमने दोनों साइड नाश्ता को अच्छे से पलट पलट के सेंक लिया है। दोनों साइड हमारा नाश्ता अच्छे से सिक चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक नाश्ता को हमने सेक कर तैयार कर लिया है। उसी तरीके से जो हमारे बाकी की लोई बची है, उनको भी इसी तरीके से मीडियम गैस पर अच्छे से पलट पलट के दोनों साइड सेक लेंगे। देखो हमने सारे नाश्ता को अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है। इसको हम इस तरीके से कटर से कट कर लेंगे। चाकू से भी हमारा बहुत ही आसान तरीके से नाश्ता कट हो जाता है। हमने चार भाग में नाश्ता को कट कर लिया है। यदि आप दो भाग में कट करना चाहते हैं तो दो भाग में भी कट कर सकते हैं। देखो ये हमारा कितना अच्छा अंदर तक सिका हुआ नाश्ता है। आप भी इसी तरीके से बेसन और सूजी का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको हम टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। यदि आप टोमेटो केचप के साथ खाना चाहते हो तो टोमेटो केचप के साथ भी इस नाश्ते को खा सकते हैं। ये हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप बच्चों के टिफिन के लिए भी सुबह सुबह इस तरीके का नाश्ता सेक कर तैयार कर सकते हैं। गर्मा गर्म तो हमारा नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि ठंडा हो जाए तो ठंडा भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमने टमाटर की चटनी के साथ इस तरीके से सर्व किया है। आप भी इसी तरीके से टमाटर की हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।